हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फ्री चैनल। दोस्तों, आज मैं बता रही हूँ स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स, यानी मांसपेशियों को वर्गीकरण। कितने भागों में मांसपेशियों को बांटा गया है, आकार एवं आकृति के आधार पर, यानी बनावट के आधार पर, उनके तंतुओं के आधार पर। दोस्तों, जो हमारे मानव शरीर में मांसपेशियाँ होती है, उनकी बनावट जो है, उसमें मांसपेशियों में उपस्थित तंतुओं के आधार पर रहती है। तंतु यानी फाइबर, जो फाइबर होते हैं हमारे पेशियों के अंदर, उसी के कारण हमारी मांसपेशियां जो है संकुचित होती हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा कि जो टेंडन होता है, टेंडन से ही हमारी मांसपेशियां अस्थियों से जुड़ी होती हैं। टेंडन के द्वारा जो कठोर भाग होता है, और उसी पर हमारे तंतु यानी फाइबर्स चढ़े होते हैं, जो हमें लचीलापन प्रदान करता है, जैसे हमको संकुचन एवं प्रसारण करने के लिए कार्य करता है मांसपेशियों के। तो मांसपेशियां जो है किसके क्या चढ़ी होती है, उसमें तंतुएं यानी फाइबर्स की स्थिति के अनुसार फैलती और सिकुड़ती है। ठीक है, अब मांसपेशियों द्वारा किया करने या बल लगाने के लिए तंतुओं का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से मतलब पूछ सकता है कि मांसपेशी द्वारा क्रिया करने और बल लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तंतु यानी फाइबर का। जैसा कि तंतुओं के बारे में मैंने बताया है कि तंतु जो है मांसपेशी तंतु यानी मांसपेशी फाइबर दो प्रकार की होती है, रेड मसल्स फाइबर एंड व्हाइट मसल्स फाइबर। रेड मसल फाइबर जो होता है वो स्लो ट्विस्ट होता है, एंड व्हाइट मसल फाइबर जो है फास्ट ट्विस्ट होता है। ठीक है, और ये जो फाइबर होते हैं मांसपेशियों पर चढ़े हुए यानी टेंडन्स पर चढ़े हुए, ये जो फाइबर होते हैं शरीर में स्थिति के अनुसार अलग अलग आकार के होते हैं। और जो मांसपेशी लंबी होती है, सिलेंडर आकार की होती है, वो जो है कमजोर होती है, और जो छोटी है चौड़ी होती है वो मजबूत होती है। ठीक है, तो इसी प्रकार आज मैं बता रही हूँ कि पेशियों के आकार तथा बनावट का वर्गीकरण उनके तंतुओं के आधार पर, फाइबर के आधार पर निम्न भागों में यानी पांच भागों में बांटा गया है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता है कि पेशियों के उनके आकार और बनावट का वर्गीकरण उनके फाइबर यानी तंतुओं के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो पांच प्रकार में। कौन कौन से हैं पांच प्रकार? पहला है फीसी फॉर्म और स्पिंडल फॉर्म, ठीक है, यानी कि बेलन आकार की। दूसरा है पीनी फॉर्म और फेदर लाइक, यानी चिड़िया के पंख की आकार की। तीसरा है ट्रेंगुलर और फन शेप्ड, यानी तिकोनी अथवा हाथ से हाँकने वाले जो पंखा होता है उसी के समान। चौथा है लॉन्गिट्यूडनल यानी रिबन के आकार की पट्टा पेशी या लंबी रिबन जैसी, ठीक है। एंड पांचवा है क्वाड्रिलेटरल यानी चौकोर आकार की मांसपेशी, ठीक है। तो चलिए जानते हैं इन पांचों प्रकार के मांसपेशियों के बारे में फुल डिटेल में, जो आपके एग्जाम पॉइंट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस भाग से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। पहला है फ्यूसी फॉर्म और स्पिंडल फॉर्म, यानी बेलन आकार की, जो बेलन होता है उसके आकार की। बेलन कैसा होता है, बीच में मोटा होता है एंड सिरों पर पतला होता है, तो उसी प्रकार के मांसपेशी को फीसी फॉर्म और स्पिंडल फॉर्म बोलते हैं। ये बीच में गोला और सिरों यानी छोरों पर क्या होती है, सक्रिय यानी पतली होती है, और लंबी छोटी मोटी और पतली आकार की होती है। तो इस प्रकार की मांसपेशी जो है कौन कौन है, जैसे कि ब्रांचियोलिस, जैसे बाइसेप्स के पास की मांसपेशी, रेडियोलिस यानी रेडियस हड्डी से जुड़ी हुई जो मांसपेशी होती है, ये इसमें आती है, ठीक है। तो बस इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है यानी दूसरा है पेनी फॉर्म और फेदर लाइक, यानी चिड़िया के पंख के आकार की मांसपेशी। इसमें क्या होता है कि तंतु यानी फाइबर जो होते हैं टेंडन के साइड में तिरछे या बिकर जैसे रूप में निकले रहते हैं, ठीक है। ये जो है तीन प्रकार का होता है, यूनिफेनिफॉर्म, बाईफेनिफॉर्म, मल्टीफेनिफॉर्म। यूनि मतलब एक तरफ, टेंडन के एक तरफ फाइबर होते हैं, बाई मतलब दोनों तरफ,
टेंडर के दोनों तरफ फाइबर होते हैं, ठीक है, मल्टी मतलब कई जगहों से निकला हुआ। तो बस शाब्दिक अर्थ शब्दों को गहराई से देखेंगे तो उसका अर्थ स्वयं निकल के आ जाता है। तो यूनि मतलब एक तरफ, तो यूनिफेनिफॉर्म की बात करेंगे पहले। तो यूनिफेनिफॉर्म जो है इसमें क्या होता है कि फाइबर जो है टेंडन की एक तरफ, यूनि मतलब एक एक तरफ, तो फाइबर जो है टेंडन की एक तरफ होता है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, टिबियल्स, पोस्टीरियर मांसपेशी जो हमारे टिबिया हड्डी के पीछे होती है, देखिए जैसे कि फिगर में दिखाया गया है ये टिबिया हड्डी के पीछे होती है इसलिए टिबियल्स पोस्टीरियर बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा है सेमी मेम्ब्रेनियस, एक क्या होता है ये पिछले जांग के पास स्थित मांसपेशी होती है। नेक्स्ट है एक्सटेंसर डिजिटोरम, ठीक है, डिजिटोरम लॉन्गस, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस ये जो होता है फिबुला के आगे स्थित होती है। तो जैसे कि टिबियल्स पोस्टीरियर टिबिया हड्डी के पीछे स्थित होती है एंड एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस जो है फिबुला के फिबुला हड्डी के आगे स्थित होती है। नेक्स्ट है दूसरा प्रकार है पेनिफॉर्म का, बाई पेनिफॉर्म, बाई मतलब दोनों तरफ, ठीक है, यानी फाइबर जो होते हैं यानी तंतु जो होते हैं टेंडन के दोनों तरफ लगी हुई होती हैं, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है रेक्टस फेमोरिस जो हमारे जांग पर चढ़ी हुई जांग की हड्डी पर चढ़ी हुई मांसपेशी होती है एंड लंगस जो हमारे जांग की मांसपेशी होती है, ठीक है। और नेक्स्ट है मल्टी फेनिफॉर्म, यानी कई जगहों से, मल्टी मतलब अनेक प्रकार से, ठीक है, जो टेंडन होता है टेंडन से कई जगहों से फाइबर निकले रहते हैं एकदम पंख के जैसे, जैसे कि इसमें एक ही जगह से कई टेंडन निकले रहते हैं उन पर फाइबर द्वारा पंख की आकृति बनी होती है, जैसे हमारा डेल्टायड हड्डी हो गया, डेल्टायड मांसपेशी हो गया, हड्डी नहीं, ठीक है। तो डेल्टायड मांसपेशी कहाँ पे पाई जाती है, जैसा कि आपको सब आप सब लोगों को मालूम होगा कंधे की मांसपेशी को डेल्टायड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यानी तीसरा है ट्रेंगुलर और फन शेप्ड, यानी तिकोनी अथवा हाथ से हाकने वाले पंख के समान, ठीक है, जो इसका इसमें जो होता है एक सिरा सकरे रूप में टेंडन से जुड़ा होता है और दूसरा सिरा चौड़े रूप में टेंडन से जुड़ा होता है। एक सिरा यानी एक सिरा जो होता है कम चौड़ा होता है, दूसरा सिरा ज्यादा चौड़ा होता है। सिरा मतलब छोर होता है, यानी जो टेंडन होता है उसके दोनों छोरों पर उसका एक सिरा जो है ये एक सिरा जो होता है टेंडन पर फाइबर जो है सकरे रूप से यानी पतले रूप से कम चौड़ा में जुड़ा रहता है, दूसरे सिरे पर जैसे चौड़े रूप में, जैसे हमारे ट्रिपेजियस मांसपेशी हो गया पीठ के पीछे गर्दन के पास की मांसपेशी, ठीक है। ट्रिपेजियस कहाँ पाया जाता है, पीठ के पीछे गर्दन के पास की मांसपेशी ट्रेंगुलर आकार की होती है, ठीक है, ट्रेंगुलर मतलब तिकोनी। अब पेक्टोरलिस मेजर, जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे पेक्टोरलिस मेजर मांसपेशी कहाँ पे है, हमारे वच के ऊपर है यानी वच के पास, और टेम्पोरेलिस, टेम्पोरेलिस जो होता है ये कान के ऊपर की मांसपेशी होती है, कहाँ पे होती है, कान के ऊपर की मांसपेशी, ये हमारे शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी होती है, जैसे हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है कान के पास ही, और कान की पास ही मांसपेशी सबसे छोटी होती है। नेक्स्ट है ग्लूटियस मेडियस, ग्लूटियस मेडियस जैसा कि आप जानते हो कुल्हे की पेशी को ग्लूटियस मेडियस कहते हैं, एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ऊपरी भाग जो है एकदम सकरा मतलब कम चौड़ा है, निचला भाग ज्यादा चौड़ा है। और डेल्टायड कंधे की मांसपेशी, दोस्तों जो डेल्टायड मांसपेशी अक्सर पेपर में ये पूछा जाता है कि डेल्टायड मांसपेशी किस आकार की है, तो उसमें अक्सर ट्रेंगुलर सही होता है, ठीक है ना, जबकि डेल्टायड मांसपेशी मल्टीपेनिफॉर्म एंड ट्रेंगुलर दोनों में आता है, ठीक है, तो इसको विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा एंड इन सब मांसपेशियों के जरूर ध्यान में रखिएगा कि कौन मांसपेशी किस आकार की है, ठीक है। नेक्स्ट है चौथा है लॉन्गिट्यूडनल, यानी रिबन के आकार की
मांसपेशी यानी पट्टा पेशी भी इसको कहते हैं, जैसे पट्टा होता है उसी के आकार के लंबे रूप में होता है मांसपेशी लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, रिबन जैसी होती है लंबी, और एक फाइबर जो है एक दूसरे के समानांतर जुड़े होते हैं, जैसे कि इसमें कौन सी मांसपेशी आती है, जैसे सार्टोरियस जो हमारी जांग पे होती है एक रिबन की तरह हमारे नीचे गैस्ट्रोनिमियस तक जाती है, जांग से जांग के ऊपरी भाग से शुरुआत होकर गैस्ट्रोनिमियन तक जाती है, ये लंबी पट्टे की तरह मांसपेशी होती है सार्टोरियस, ठीक है। एंड रेक्टस एब्डोमिनस, जैसा कि आप जानते होंगे पेट के बीच की जो पतली सीधी मांसपेशी होती है, पेट के बीच की जो सीधी मांसपेशी होती है एकदम पट्टे की जैसी, वो रेक्टस एब्डोमिनस होता है। तो दोस्तों इन सबको बहुत ही ध्यान से देखिए, और एक ध्यान रखना जरूरी बात है कि हमारे शरीर में कौन सी मांसपेशी किस जगह पर पाई जाती है और वो किस आकार की है, ठीक है। नेक्स्ट है पांचवा है क्वाड्रिलेटरल यानी चौकोर आकार की, यह चौकोर और मोटी होती है यानी और तंतु जो है तंतु यानी फाइबर जो है टेंडन के आपस में समानांतर जुड़ी हुई होती है, यह छोटी होती है और मजबूत होती है। जैसा कि मैंने बताया है कि लंबी और सिलेंडर आकार की जो मांसपेशी होती है वो कमजोर होती है, छोटी मांसपेशी मजबूत होती है, छोटी यानी मजबूत मांसपेशी है क्वाड्रिलेटरल चौकोर आकार की। जैसे कि इसमें कौन कौन सी मांसपेशी आती है, रोमबॉइड एक गर्दन के पीछे पाई जाती है, एंड इंटरकोस्टल मसल्स जो होती हैं पसलियों के बीच में पाई जाती हैं, हमारे रिब्स के पीछे बीच में पाई जाती हैं, ठीक है। एंड प्रोनेटर क्वाड्रिटियस, ये जो होता है प्रोनेटर क्वाड्रिटियस जो होता है हमारे हथेली की तरफ से कलाई के ऊपर की यानी कलाई कलाई से सटी हुई होती है, कलाई से थोड़ा ऊपर जो चौड़ी मांसपेशी चौकोर आकार के दिख रही है वो होता है प्रोनेटर क्वाड्रिटियस। तो दोस्तों ये था मांसपेशियों के आकार के बारे में यानी स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स के बारे में, यानी संरचनात्मक रूप से उसके आकार कैसे हैं उनके बारे में। आई होप कि ये जानकारी आपको बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मसल्स कंस्ट्रक्शन पर होगा जो एग्जाम पॉइंट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों इस पार्ट से अब कोई भी क्वेश्चन आएगा उसका जवाब आप बहुत आसानी से दे लेंगे, तो इस वीडियो को एक से दो बार जरूर देखिए, उसके बाद आपको इन सभी मांसपेशियों की कौन सी आकार की है याद हो जाएगा। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही वीडियो आगे पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।